Hello everyone, today we are back with the news pre-exam of the Haryana state and मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सीरीज है जो हमने शुरू की हुई है लकी लॉ की तरफ से, जिसमें कि आपको वेरियस स्टेट के प्री एग्जाम जो है एक ही जगह हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे. सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड फॉर सो दैट कि आपको कोई हेजलमेंट या ऐसा कुछ ना हो कि आपको आपको जो भी जो प्री एग्जाम जो है वो सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाए. इसलिए हमने ये क्विक सीरीज शुरू किया. इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट लिटिल लिटिल जो है व्हाट इज द रीजन उस क्वेश्चन को पूछने के पीछे क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके पीछे क्या लॉ है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर वन इज योर अ कॉम्प्रोमाइज विच इज अवॉइडेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज नॉट बीन डीम्ड टू बी अ डैश विदिन द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. ठीक है. देखिए, जब आप ऑर्डर 23 रूल 3 पढ़ोगे तो उसमें सीधा सीधा ये बेरेक्ट लैंग्वेज है और उसमें दे के रखा हुआ है कि जो है ये आपका लॉफुल डीम टू बी है, शेल नॉट बी डीम टू बी द लॉफुल नहीं माना जाएगा. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन एक्स क्वेश्चन नंबर टू से चलते हैं. व्हेन एन अपीलेंट हैज विथड्रॉन द अपील प्रेफर्ड अगेंस्ट अ डिक्री पास्ट एक्स पार्टी अ सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो ये आपकी क्या होगी. ठीक है. ये सीधी सी बात है, जब भी आपकी ऑर्डर 9 रूल 13 जब भी आपकी एक्स पार्टी डिक्री होती है, या तो उसकी आपकी उसको या तो सेट असाइड करिए, या तो आप उसको अपील में ले जाइए, या तो आप उसका रिविजन करिए. ठीक है. अब यहाँ पे जब उसने विड्रॉ कर दी है तो जो अपील है, जो आपकी एप्लीकेशन है अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, वो आपकी क्या होगी, मेंटेनेबल होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर क्वेश्चन नंबर टू इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिबार अ टेनेंट फ्रॉम फाइलिंग अ इंटरप्लेटर सूट. एक्चुअली जो यहाँ पे जो ऑप्शन देके रखे हुए हैं आपके ए बी सी डी, उसमें जो सेक्शन 88 इज अ इंटरप्लेटर सूट, बट इन ऑर्डर 35 गिवन अ ब्रॉड डिटेल एंड प्रोसीजर ऑफ अ इंटरप्लेटर सूट. ठीक है. तो इन एक्चुअल जो है आपका ऑर्डर 35 रूल 5 जो है वेयर स्टेट्स डिनेट कैन नॉट फाइल. एक्चुअली ये जो आपका सी और डी ऑप्शन जो दिख जो 35 है वो 88 में जो है आपका इंटरप्रेटर सूट जो है वो सेक्शन में देके रखा है कि इंटरप्रेटर सूट क्या होता है. उसकी डिटेल डेफिनेशन आपकी ऑर्डर 35 में देके रखी है और ऑर्डर 35 जो रूल 5 है आपका, ऑर्डर 35 रूल 5 है वो आपका इस बारे में बात करता है कि विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है 1908 डिबार द टेनेंट फ्रॉम द फाइलिंग द इंटरप्रेटर सूट. ठीक है. तो ये नन ऑफ द अबव आएगा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि रूल 5 का जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. ठीक है. कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 विल रिजल्ट इन, सपोज कोई ऑफेंस हुआ है और उसकी जो है आपस में समझौता हो गया और वो कंपाउंड हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो उसको जो है एक्विटल माना जाता है. ये आप सेक्शन 320 सीआरपीसी जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिया हुआ है. In one trial, X is convicted against which no appeal lies, whereas conviction against Y is appealable. Whether X can file appeal against his conviction? तो correct answer है आपका yes. X जो है आपका जो है file कर सकता है. Now the question number 6. Under section dash of a code of a criminal procedure 1973, it is a mandatory for a police officer to inform the person. देखिए इस बारे में मैंने एक वीडियो, ये जो है आपका ये जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का कि जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलरली जो आपका अरेस्ट चैप्टर है उसे रिलेटेड है. उसमें जो सेक्शन 50 है उसमें आपका क्लियरली दे के रखा है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट करेगा किसी को एक्यूज्ड को, तो जो है उसको जो है वो बताना होगा, inform the person ki arrest without warrant about ki it is a mandatory for a police officer to inform the person arrested without warrant about the right of bail ki jo hai
तुम्हें जो है ये जो ऑफेंस है इसमें जो है आपका राइट ऑफ बेल है, आप जो है कोर्ट में जाके बेल ले सकते हो। जो सेक्शन 50 है आपका सीआरपीसी का वो इसके बारे में बात करता है। इफ यू वांट टू रीड अबाउट द डिटेल्ड रिगार्डिंग द अरेस्ट, तो आप जो हो अरेस्ट के बारे में अगर देख मतलब डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो आप जो मैंने लिंक में एक डिस्क्रिप्शन एक आपकी जो मेरे चैनल में आपको एक वीडियो मिलेगी उसमें आप गो थ्रू कर सकते हो या मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ एक्स अ ब्लैकस्मिथ इज अ सीज्ड बाय अ गैंग, एक जो है लोहार को जो है एक गैंग ने जो है डिकॉइट ऑफ डकैतों की गैंग ने जो सीज कर लिया और उसको जो है फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंसिडेंट और उसको मारने की धमकी दी और उसके टूल एंड उसको फोर्स किया कि वो वाई के घर का जो है दरवाजा खोले। तो डकैत ने वहां पे वाई के घर से दरवाजा जो है वहां पे लूट की, जो गहने थे वो चुराए एंड आल्सो जो सन है वाई का उसको भी मारा। तो इसमें जो है एक्स का क्या रोल रहता है ये क्वेश्चन है। तो जब आपको पता है कि जब भी आपका थ्रेट दे के रखी होती है तो आपका वो जो है ऑफेंस जो है नहीं माना जाता क्योंकि एंगेज तबील है। इसलिए जहां भी आपका लाइफ की थ्रेटनिंग होती है और वो जबरदस्ती जो काम करवाया जाता है तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस ऑफ अबडक्शन अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 द अबडक्टेड मेल पर्सन शुड बी, देखिए जो सेक्शन 362 है आपका आईपीसी का उसके हिसाब से नो वेयर एनी मेंशन मींस ऑफ एनी एज मींस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग जो 362 में जो है वो आपका एज के बारे में नहीं कोई बात करता है और जो एबडक्शन है वो आपकी किसी भी उम्र के बंदे आदमी की हो सकती है। ठीक है तो ऑफ एनी एज योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ अ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू constitute the offense of a rioting under section 146 of the Indian Penal Code. Simple si bare act language mein jaiye aur minimum person is required that is 5. Now, ye jo aapka next question hai, the 5 golden principle of punishment of a proof of a case based on a circumstantial evidence laid down in, ye aapka शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। देखिए मैं आपको क्विक सा एक इसमें इस केस के बारे में आपको जल्द आइडिया दे देता हूँ क्या क्या है। द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ द गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुली एस्टैब्लिश्ड, द फैक्ट्स सो एस्टैब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, दैट इज टू से दे शुड नॉट बी एक्सप्लेनेबल एंड एनी अदर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी, द circumstances should be a conclusive nature and a nature, they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved and there must be a chain of evidence so complete as not leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must so that in all human probability The act must have been done by accused. ठीक है, these are the five golden principle जो है आपका शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में दिए गए थे। Circumstantial evidence को कैसे जो है वो माना जाएगा। Now the question number 11. What are the minimum number? What are the number of witnesses are required to prove? किसी dacoity का जो offence है उसको prove करने के लिए कितने चाहिए? Basically देखिए यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए ये सारा ऑप्शन देके रखा है क्योंकि डकैती ताकि जो जो डकैती के लिए मिनिमम जो है आपका 5 आदमी 5 आदमी चाहिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसको प्रूव करने के लिए तो एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 134 है, लेट मी टेल यू एविडेंस एक्ट का सेक्शन 134 जो है वो जो है आपका इस बारे में बोलता है कि नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस प्रिस्क्राइब। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। Now, question number 12. The examination after the cross examination of a witness by the party who has called him is called
री एग्जामिनेशन. Now question number 13. Which article of the Constitution of India provides a constitutional safeguard to the civil servant? Question simple सा है आपका कि कौन सा जो है हमारे संविधान में ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जो है जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको जो है सेफगार्ड देके रखी हुई है. तो 311. These are the direct question. What kind of a jurisdiction has been conferred under Article 143 of the Constitution of India? बेसिकली देखिए ये ऑप्शन देख के रखे हैं इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि आर्टिकल 143 जो है कन्फर्स अ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है तो इसमें नहीं देख के रखी है इन सारे के सारे ऑप्शनों में तो करेक्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव. नाउ द क्वेश्चन नंबर 15. अ काउंटर क्लेम शैल बी डीम्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1962 हैव बीन इंस्टीट्यूटेड. देखिए काउंटर क्लेम जो है आपका ऑर्डर 6 रूल ए टू जी में है और सीपीसी Order 8 rule 6A2G CPC और आप उसमें जब go through करेंगे तो then you come to know कि on the day on which the counterclaim is made in the court तो आपका वहाँ से limitation शुरू होती है. Now the section 15 sorry question number 15 16 sorry section 15 of the limitation act 1963 एक्सक्लूड फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ लिमिटेशन. देखिए पीरियड ऑफ नोटिस जैसे सेक्शन 80 का नोटिस दिया जाता है वो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट अगर गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी हो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सैंक्शन बोथ आर द सेम ऑप्शन. सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर डी. नाउ सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कन्फर अ लेजिटिमेसी ऑन द चिल्ड्रन ऑफ. जब आप सेक्शन 16 गो थ्रू करेंगे तो वहां पे जो आपका वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को दोनों को देके रखा है. सो द करेक्ट ऑप्शन आपका डी रहेगा जिसमें कि ए और बी आपके दोनों ऑप्शन देके रखे हैं. ठीक है. नाउ हाउ मेनी एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिवोर्स आर प्रोवाइडेड फॉर द वीमेन अंडर सेक्शन 13(2). देखिए देर आर अ फोर ग्राउंड्स विच आर प्रोवाइडेड इन आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955. नाउ where is a contract because जो section 13 हाँ नहीं यही है where in a contract between the partners no provision it made for a duration of their partnership or a determination of their partnership the partnership is. देखिए यह आपकी बिल के बात में बात करता है कि जब तक उसकी इच्छा है तब तक वो partnership मतलब जो आपकी partnership form है उसमें partner रहेगा और जब उसको लगेगा नहीं तो partnership जो है छोड़ देगा तो that is a partnership act bill उसको बोला जाता है. correct option is D. No suit for a recovery of a possession shall be brought under section 6 of a specific relief act 1963 against. देखिए section 6 जो आपका section specific relief act बोलता है कि जो आपके कब्जे के जो केस होते हैं वो किसके खिलाफ नहीं किए जा सकते वो आपके गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं किए जा सकते हैं. ठीक है. और when to prevent a breach of an obligation it is a necessary to compel the performance of a certain act which the court is capable of enforcing. Court में under section 39 of the specific relief act 1963 grant. देखिए ये mandatory मतलब उसमें mandate दिया जाता है कि भाई अब जो है court compel करता है कि तू जो है ये काम करेगा या ये काम नहीं करेगा. Now the fair rent of a building or a rented land fixed under Haryana under one of a rent and eviction act 1973 generally prevails 5 years के लिए. These are the some state question from the WARE Act. And if you preparing for the Punjab judiciary, then let me tell you, these are the some small acts. And just जब भी आप एक बड़ा एक जब बड़ा कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ इसको छोटे सब्जेक्ट को ले लिया करो ताकि जो है जहां आप उस बड़े सब्जेक्ट को 5 से 6 या 7 से 8 घंटे देते हैं तो 1 घंटा छोटे सब्जेक्ट को दोगे तो definitely your command you know will in a such a manner that never you will forget because ye jo scoring subject hote hain. A continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to the future transaction. Dekhiye ye baat kar raha hai ki jo loan leke rakha hota hai jisme jo guarantor hote hain ki wo continuing guarantee jo hai uski usko revoke kaise kiya ja sakta hai. To jo creditor hai aapka jo creditor hai jisne jo hai loan diya hua hai usko jo hai notice deke. Correct option is A of the last question. Now what can a catalog of a book listing price of each book and specifying the place where the listed books are available be termed as. isme ek seedha sa question pooch rakha hai ki jo aapko bolte hain ki bahar laga hota hai ki 50% chhoot hai 60% chhoot hai to ye kya hai aapka ye aapka invitation dete hain ki bhai ye offer hai aao aur isko jo hai is offer ko check karo invite karte hain offer ko.
ना कि ये जो है आपका एक ऑफर होता है और वहां से एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर सी, द इनविटेशन टू ऑफर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, अनअवॉइडेबल डिले। एक्चुअली मैं जो अब इसको इधर उधर जो है आमने सामने की इस तरह से अच्छा रहेगा, सो आई एम ट्राइंग टू यू नो solve like this. Unavoidable delay up to dash in presentation of a document for a registration under the Registration Act 1908 may be condoned by registrar within 4 months. ठीक है. Now the question number 33. Which of the following is a are a good according to the sales of good? देखिए stock and share. जब आप goods की service, goods की जो definition पढ़ोगे आप sale of goods तक 1930 में, तो वहां पे आपको इसका simple सा देके रखा हुआ है. X being in a question number 25 now, X being in a debt to Y, ठीक है, X ने जो Y से loan लेके रखा है, the money lender of Y's village contract a fresh loan on a term which appears to be unconscionable, that the contract was not induced by undue influences to proved by Y. देखिए जब कभी भी undue influence की बात आती है तो Y ही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि undue influence आपका किसको प्रूव करना पड़ता है कि वहां पे undue influence नहीं है, इसको जो है X being is debt to Y, मतलब जो है strong position में होता है किसको dominate करने की, ठीक है। जैसे फादर जो है, जैसे कोई गुरु है, गुरु चेला का सन फादर का रिलेशन, इसमें फादर आया गुरु चेला में, गुरु आया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, द प्रिंसिपल ऑफ अ फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। ऑब्वियस है, रेस इप्सा लिक्विटर। एलिनेशन ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी मेड बाय अ नेचुरल गार्डियन विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट गार्निशिंग अवॉइडेबल इंस्टा। देखिए सीधी सी बात करते हैं, माइनर माइनर की प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, पिकुनरी लिमिट ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल जज आर डिटरमिन्ड। देखिए कोई भी आपके जो ये दीवानी कोर्ट्स हैं, आपके जो कहीं भी या सिविल कोर्ट्स होते हैं, इनकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है पिकुनरी ज्यूरिस्डिक्शन, ना कि सिविल ज्यूरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द pecuniary jurisdiction, sorry, I am not talking about the territorial jurisdiction, but I am talking about the pecuniary jurisdiction and it is decided by the High Court. जैसे suppose Himachal High Court को ले लो, तो वहाँ पे आपका जो civil court junior division है वो 10 लाख तक, civil court senior division your 20 lakh and up to that is your civil the senior division आपका 20 lakh और उसके up to उसके बाद 30 lakh session trial, sorry, session district session court. How many ground of a divorce are provided for a Muslim woman under section 2? There are 9 divorce under the dissolution of a Muslim marriage act 1939. Question number 27 ka correct answer is your C. Now the 28, X and Y are the wife and having a son and daughter. They have adopted a girl Jed. The adoption under the Hindu Adoption Act is a boy. देखिए क्योंकि X and Y are husband and a wife having a son and a daughter. जब आपका देखिए हिंदू Adoption Act CDC इतनी सी बात बोलता है कि अगर आपके पास बेटा है तो आप जो है वो बेटा नहीं adopt कर सकते, अगर आपका लड़की बेटी है तो आप बेटी adopt नहीं कर सकते, ठीक है, जो नहीं है उसको आप adopt कर सकते। Now the question number 35, who among the following was the first person to be honored with the Bharat Ratna? Lal Bahadur Shastri. It's a very simple, it's a GK question. Which section of the Hindu Succession Act 1956 lays down the order of a succession among the agnate and the cognate? Section 12, these are a direct question. So let me again tell you, try to command on a Bayer Act. एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरिंग स्पीड ऑफ, देखिए डेसिबल जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। नाउ इफ एट द टाइम ऑफ द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज वाइफ हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज विल बी वॉइडेबल, ठीक है। नाउ बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज लॉन्च्ड अ क्विट इंडिया, ये तो आपका महाराष्ट्र में हुआ है। आई थिंक दीज आर द वेरी जनरल क्वेश्चंस ऑफ जीके। टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन टू हूम अ समन हैज बीन इश्यूड अंडर सेक्शन 30
of the Code of Civil Procedure 1908, the court is empowered to impose upon him a fine not exceeding 5,000 is your correct answer. Section 482 of a Code of Criminal Procedure 1973, save inherent power. 400 criminal, देखिए criminal में आपका inherent power सिर्फ high courts के पास है 482 में, section 482, and in civil में आपका civil judge के पास है आपका, वो भी नीचे trial court में, that is under section 151 CPC. Now question number 31.9 में, which section of the Code of Civil Procedure 1908 state that the place of a trial is to be deemed to be open court? 153 भी इसका है. These are a state way question. No court shall take a cognizance of an offence after the expiry of if the offence is a punishment. देखिए जब कभी भी limit देके रखी है कि जब कभी भी आपका punishment भी the only fine है तो 6 महीने के बाद जो है उसको जो है cognizance नहीं लेनी चाहिए. Now, question number 46, section 73 of the Indian Penal Code prescribe है. देखिए मतलब किसी को जेल में अकेले बंद करना तो वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होता है, और उसको 3 महीने ऐसे नहीं कि इकट्ठे रखना पड़ता है, उसको अकॉर्डिंग टू द 73 इंडियन पिनल कोड एक एक महीना अलग अलग से उसको जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है. Now the question number 40, a decree for the restitution of a conjugal right may be enforced order 21 rule 32. Attachment of a property is the correct answer. Now, question number 41. If an indigent person succeed in a suit, the due amount of a court fee shall be recoverable from. If an indigent person, ठीक है, जिसमें जो है ये court any party order by the decree to pay the same, ठीक है, जिसको जो है कोर्ट ने जो है ऑर्डर करके रखा हुआ है वो पार्टी जो है देगी, ठीक है. नाउ एन इंडियन सिटीजन मर्डर अ फ्रेंच सिटीजन इन अ पेरिस, किसी इंडियन ने जो है फ्रेंच में जाके पेरिस में जाके फ्रेंच को मार दिया एंड भाग गया वहां से, फिर क्या हुआ, अब वो मुंबई पुलिस को मिला, ठीक है, तो प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया तो फिक्स्ड बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री, प्रोसिक्यूटेड नेशनल कैपिटल. देखिए जहां पे देखिए आईपीसी बोलती है अगर कोई बाहर से कोई ऑफेंस करके आता है तो जहां पे वो पहले मिलेगा उस कोर्ट की जो है वो ज्यूरिसडिक्शन बन जाती है. क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डिक्लेयर अक्यूज्ड पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट डिफेंस, सेक्शन 315, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 48, ए फाइंड अ पर्स विद द मनी नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग, एक को जो एक पर्स मिला कि नहीं जानता कि कहाँ था किसका है, और उसके बाद में पता चला कि ये जो बी का है पर उसने उसको अपने पास और अपने यूज के लिए कर लिया, तो सीधा ये इसमें देखिए किसके इंग्रेडिएंट आते हैं आपके 403 के क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. करेक्ट आंसर इज योर बी ऑफ द लास्ट क्वेश्चन. नाउ द विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 43, which of the following is an incorrect response in the light of a code of a criminal procedure? Inquiry is conducted after a framing of a charge. क्योंकि inquiry जो है आपकी framing of a charge से पहले होती है. The moment देखिए, what are the, let me tell you, पहले क्या आती है investigation, फिर उसके बाद inquiry, फिर उसके बाद trial. The trial जब commence हो जाता है तो फिर आपकी investigation और inquiry का कोई role ही नहीं रहता, ठीक है. So this is what correct option is your B. Now 49, which of the following section of the Indian Evidence Act 1872 may send accomplices or competent witness? जब आप 133 में जाओगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि accomplice is your competent witness. Now question number 50, which of the following section of the Indian Evidence Act 1872 prescribe a condition for making oral admission? Oral admission, देखिए admission आपकी 17 से शुरू हो जाती है और सेक्शन 22 जो है आपका एविडेंस एक्ट का वो आपका ओरल एडमिशन की बात करता है. सेक्शन 13B, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, सेक्शन 30B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 13B, ऑब्वियस 1976. देखिए कई बार ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट कब हुई है, तो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है आपकी पुरानी और जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सारी, तो
वो आपको आपको पता होनी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग एनी जुडिशियल एग्जाम. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मेक्स अ कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड, कि जो आपके साथ में जिसने कोई अक्यूज्ड है उसके साथ किसी कोई एक और अक्यूज्ड है जिसने जो अपराध किया हुआ है, अगर कोई कन्फेशन कर रहा है तो एडमिसिबल कहाँ दे के रखा हुआ है, वो आपका सेक्शन 30 जो आपका एविडेंस एक्ट का वहां पे एडमिसिबल दे के रखा है. सो द करेक्ट आंसर इज योर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ, कौन सा फॉर्म जो है यहाँ पे जो है पार्टनरशिप को जो है डिसॉल्व नहीं कर सकता. देखिए बाय एग्रीमेंट भी होती है, कंपलसरी भी होती है, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट तो करता ही है, ठीक है. डिसॉल्यूशन रजिस्ट्रार आपका डिसॉल्यूशन नहीं कर सकता, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 52, इन केस एनी क्वेश्चन अराइज एज टू द एज ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर आपका जज हाई कोर्ट के जज की एज के बारे में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको कौन डिसाइड करता है, फाइनली एज पर द President of India. Now the question number 59. Under Section 16 of the Specific Relief Act, in a suit for a specific performance of contract, a plaintiff must have a performance of a readiness and willingness to perform. What is the meaning of the readiness? Readiness का मतलब इतना सा है कि भाई plaintiff's capacity including final financial. कि plaintiff must have a performance की जो है plaintiff की जो capacity है वो भी होनी चाहिए कि उसको जो है जो फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो उसको जो है मीट आउट किया जाए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द, जो आपका 8th शेड्यूल है 53 जो 8th शेड्यूल जो है वो बात करता है, तो 8th शेड्यूल में जो है आपकी जो है लैंग्वेज के बारे में बताया गया है. हमारे इस संविधान में 12 शेड्यूल हैं, तो 8th शेड्यूल आपका लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करता है. तो ये जो सिंधी संथली डोगरी बोडो दिस ऑल आर द लैंग्वेज इन द मेंशनड इन द 8th शेड्यूल. सो द नन ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर 51. देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स ये पूछा जा चुका है और करेक्ट आंसर है इसका 11. सो तो वो यहां पे है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर ई. एनी एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फॉर अ पेमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 60 आई एम टॉकिंग अबाउट, एनी एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फॉर अ पेमेंट ऑफ एनी सम इन एडिशन टू द फिक्स्ड फेयर रेंट शैल अंडर हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1973 नल एंड वॉइड, ठीक है. ये तो सीधे से क्वेश्चन है आपको छोटे छोटे वे रख के. क्वेश्चन नंबर 51, पाकिस्तानी सिटीजन जो है इंडिया में रिजाइडिंग इन इंडिया जो फंडामेंटल किस जो है फंडामेंटल राइट को क्लेम नहीं कर सकता. देखिए आपका आर्टिकल 14 जो है वो आपका सारे सबको है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 40, आर्टिकल 21 बी ऑप्शन, और ये आर्टिकल 19 में आता है आपका. तो ये नहीं दिया जाता है आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, बट अपने धर्म का दो तो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये आपके आर्टिकल 14 ए जो है 14, बी आपका 21 और ये 29-30. तो दीज ऑल आर द correct of these all are the which are given to the any foreign citizen, but C is not. So the correct answer is your C. Now the question number 61 is here. When consent to an agreement is caused by misrepresentation under the Indian Contract Act 1872, the agreement is void, valid. देखिए ये बात कर रहा है कि when consent to an agreement अगर आपने misrepresentation की तो उसमें जो है आपका सेक्शन 18 जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो क्या बोलता है, वो जो है आपका वॉइडेबल होगा, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 56 कि लिमिटेशन पीरियड फॉर द इंस्टीट्यूटिंग अ सूट विच नो स्पेसिफिक पीरियड. जब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम ये जो पूछा जा चुका है, अगर किसी भी सूट में जो लिमिटेशन देके नहीं रखी है तो उसमें जो है आपको कितने टाइम पे वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद फाइल करना पड़ेगा, वो है आपका विद इन 3 इयर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 56 इज सी. कोई फैसिट पर अल्यूम, फैसिट पर से किसका मीनिंग क्या है, ही हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ. दीज आर द सम लीगल मैगजीन. इफ यू रिक्वेस्ट मी, इफ यू वांट कि मैं इसके ऊपर लीगल मैगजीन के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट ऑन माय बॉक्स, आई डेफिनेटली मेल. इफ अ हिंदू मेल डाइज इंटरस्टेट लिविंग बिहाइंड अ मदर फादर सन ब्रदर एंड अ सिस्टर द प्रॉपर्टी विल गो. देखिए ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सक्सेशन के ऊपर. अगर आपका कोई हिंदू मेल मर जाता है
तो उसकी प्रॉपर्टी जो है कैसे डिवॉल्व होगी। देखिए, जब हिंदू मेल है उसके जो फर्स्ट क्लास लीगल हेयर में कौन कौन आता है, सबसे पहले तो बच्चे आएंगे और वाइफ आएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक सन है और वाइफ में आपका, और मदर भी आएगी। मदर आपके, देखिए मदर आ गई, सन आ गया, और मदर और सन। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या, आपका आपका डी आ गया। तो मदर एंड सन आर द 1/2 में वो पूरी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मेक इट कंपलसरी टू अफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अ फिंगरप्रिंट्स अपॉन द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड, 32A। ये जो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, सुधीराम कप इज एसोसिएटेड विद गेम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 70, ये आपका बैडमिंटन से होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 71, द प्रोपोजिशन आर अंडर ऑर्डर 18 रूल 2। देखिए, इसमें बोला गया है आपका कि इसमें कौन कौन सी, अ कॉपी ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट शैल बी, रिटन आर्गुमेंट शैल बी फर्निश्ड साइमल्टेनियसली टू द ऑपोजिट पार्टी। देखिए, ये बिल्कुल सही है, और एडजमेंट शैल बी ग्रांटेड जनरली फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटन आर्गुमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम रिटन आर्गुमेंट फाइल करने की बात करते हैं ऑर्डर 18 के हिसाब से, तो जो है कोर्ट जो है उस दिन जो है स्टे कर देता है और पार्टी को टाइम देता है कि वो दूसरी पार्टी को रिटन आर्गुमेंट दे सके। द कोर्ट कैन नॉट फिक्स एनी टाइम लिमिट फॉर ओरल एग्रीमेंट, तो ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, वारंटी एज पर द सेक्शन 12 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये आपका स्टिपुलेशन कलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए होती है। वेयर एन इंटरिम, क्वेश्चन नंबर 72, वेयर एन इंटरिम इंजेक्शन हैज बीन ग्रांटेड अंडर ऑर्डर 39 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1902 विदाउट नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी, द कोर्ट शैल मेक एन एंडेवर टू फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंजेक्शन वाज ग्रांटेड। ये 39 रूल One, I think, yeah, two में ये limitation देख के रखी हुई है। Now the question number 66, who am the following under Hindu minority and a guardianship act 1956 will be natural guardian of a minor by person? Obvious, husband. Now question number 67, Yad Vashan is an Israeli. ये आपका कुछ नहीं है, ये आपके जनरल जो आपके, देखिए इस तरीके का question deal करने के लिए आपको कुछ नहीं, जस्ट न्यूज़पेपर पढ़िए, गो थ्रू द न्यूज़पेपर, अ गुड न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू और इन हिंदी आपका अमर उजाला, तो दीज आर द गुड न्यूज़पेपर, और मे बी अ गुड मैगजीन्स लाइक प्रतियोगिता दर्पण। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डील्स विद द अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ऑब्वियस है, ऑर्डर 38 रूल 5 जो है आपका अटैचमेंट से जुड़ा, और वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटीटोर ये आपकी क्या है। देखिए, दीज आर सम जीके क्वेश्चन, मॉन्टेरियल ये आपका सर क्रिक लाइन कहाँ पे है, ये टाइटल एस्टुरी बिटवीन इंडिया एंड सर क्रिक। इफ ट्रायल कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ कन्विक्ट इंटेंट्स टू फाइल अपील इट शैल रिलीज हिम, देखिए ऑन अ बेल अंडर, देखिए ये है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने किसी ऑफेंस में सजा दे दी है तो वो फिर भी जो है बेल ग्रांट कर सकता है, मतलब उसको जिस दिन सजा दी उस दिन ही छोड़ सकता है। पर किन ऑफेंसेस में, वो उन केसों में जहां की जो है इम्प्रिजनमेंट जो 3 साल से ऊपर नहीं है जिस ऑफेंस में, ठीक है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का केस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल प्रोसीजर इज, देखिए क्रिमिनल जो लॉ है आपके वो आपके स्टेट और सेंटर जो है दोनों जो है उसमें जो है कानून बना सकते हैं, तो इसके लिए आपका कॉन्करेंट लिस्ट में इसको मेंशन करके रखा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज योर ए। नाउ कि द क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ वाइफ बर्थ एंड एंट्री इन द डायरी ऑफ अ डिसीज्ड सर्जन regularly kept in the course of a business stating that on a given day he attended wife's mother and delivered her of a son is a relevant fact under which of the following section of the Indian Evidence Act? 32 mein baat aati hai, kyunki 32 mein jo regularly kept, deceased, jab wo deceased ho gaya to jo aapka
सेक्शन 32 है उसमें देखे रखा हुआ है कि जब आपका कोई रेगुलरली केप्ट जो कोई आपका मेंटेन्ड कोई डायरी होती है या कोई रिकॉर्ड होता है पर जिसने वो मेंटेन करके रखा हो उसकी डेथ हो जाए तो वो जो रेलेवेंट हो जाता है. सेक्शन 76 अ प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल स्पेसिफाई द टाइम फॉर नॉट लेस देन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग. जिस दिन से देखिए प्रोक्लामेशन का जो नोटिस है आपका सीआरपीसी में जिस दिन से आपका पब्लिश हुआ है उसके बाद 30 दिन के अंदर जो है उसको जो है आना पड़ता है नहीं तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77 अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट कैन ग्रांट अ अडजर्नमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय नन ऑफ द अबव. The constitutional validity of which of the following has been देखिए ये तो सीधा यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय के केस में जो है 27 की जो है इसमें जो है पहले ये चैलेंज किया गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है आपका सेक्शन 27 जो है एविडेंस एक्ट का. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय हर बार ये पूछा जाता है आपका किसी भी स्टेट के एग्जाम में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 83 Who among the following is empowered to finally determine whether a bill is a money bill? देखिए ये constitution का केस है तो speaker की power रहती है. Speaker किसका? लोकसभा का. In if in a complaint case it is made to appear to a magistrate, then investigation by the police is in a progress in relation to the same offence. Which of the following order a magistrate may pass under section 210 of the Code of Criminal Procedure 1973? तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट ऑप्शन देखिए इसमें पहला गलत है. स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल ऑन अ सच कंप्लेंट बिल्कुल सही एंड अ कॉल अ रिपोर्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिल्कुल सही. तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा इसमें सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू inferior court quorantu bilkul sahi. 85 which of the following section of the limitation act 1960 give recognition to the concept of adverse possession 27 right and extinguish ho jata hai. Now question number 86 who among the following bars in a news for the national anthem decision justice deepak mishra judgment in mehboob shah versus emperor the AR 1945 explained the penal law. इसमें जो है common intention के बारे में आपका बताया गया था. Now question number 80. Which section of the Indian Penal Code 1860 defines sedition? Obvious, everybody know 124A. A and B jointly purchased a tea shop. दोनों ने मिलके एक tea shop ली. Each of them contributed half. दोनों ने जो है half contribute किया. पोएट्री यूटेंशियल के लिए देन दे लीज्ड आउट द शॉप लीज उन्होंने लीज कर दी एंड शेयर द रेंट इक्वली. तो वो क्या हुए? तो वो को ओनर हुए ना कि पार्टनर हुए क्योंकि पार्टनरशिप के फर्म की डेफिनेशन में वो नहीं आए. टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विसिस द कोर्ट इसमें जो है कोर्ट इंजेक्शन नहीं दे सकता. ठीक है. In which of the following judgment Supreme Court ने बोला कि irretrievable breakdown of a marriage is not a ground for divorce under Hindu Marriage Act 1955 yet Supreme Court in exercise of the extraordinary constitution of India can grant the relief. देखिए ये आपका अनिल कुमार जैन वर्सेज माया जैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ था. गुड केस ऑन द Hindu Marriage Act, when consideration or object of an agreement is partly unlawful, सीधी सी बात है, तो ये सीधा ही आपका क्या हो जाएगा? Void. Question number 90, under which section of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a dependent's claim for a maintenance under the Act can be created as a charge? बिल्कुल सही. Section 27. The correct option is your C.
नेम ऑफ द गवर्नर जनरल हु एबोलिश्ड द सती, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की बुक्स में मिल जाएंगे इजिली। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी अ कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू इफेक्ट सर्विस ऑफ अ समन बाय हैंड अपॉन अ डिफेंडेंट, पर्सनली जब बात आ जाती है तो ऑर्डर 5 रूल 9 ए में चला जाता है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर फॉर अ कंसिडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 50, ये बात आई है पार्ट परफॉर्मेंस जो होती है, जब आपका कोई जैसे ये है अमेंडमेंट, बेसिकली इसमें कुछ नहीं, इतना सा हुआ था कि जो आपके एग्रीमेंट्स है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो वो कब से शुरू हुई, आपकी 24/9/2000 जो टीपी एक्ट है आपका, तो जब उसमें आप पढ़ोगे 53A तो वहां पे देखे रखा है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 17 है वहां पे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीपीसी कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू इफेक्ट अ सर्विस ऑफ अ समन बाय हैंड, तो पढ़ लिया हमने रूल 9A, सेक्शन किस में जो है सेल्स ऑफ गुड एंड बैड इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कैवियट एम्प्टर, ये आपका सेक्शन 16 है, अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ द सीपीसी कोर्ट में ग्रांट अ पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट एट जितना की रीजनेबल कोर्ट को लगेगा, सेक्शन 12 जो है आपका माइनॉरिटी ऑफ गार्डनशिप एक्ट में जुरिस्डिक्शन जो है आपकी किसकी बनती है, हाई कोर्ट की, कोर्ट में पास अ जजमेंट ऑन एडमिशन अंडर ऑर्डर 12 रूल 6 ऑफ द सीपीसी, मतलब कोर्ट में पास जजमेंट होना एडमिशन अंडर ऑर्डर 12, मतलब उसने जो डिफेंडेंट है उसने जो है प्लेंट का जो है कुछ हिस्सा जो है, या अगर उसने पूरी प्लेंट एडमिट कर ली तो उसी ही एडमिशन पे कोर्ट जो है पास कर सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट व्हिच वी पास्ड ऑन अ कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल, की सीधी सी बात है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कंफ्यूजन इसमें इतनी सी रहती है कि 6 मंथ या 3 मंथ, तो 3 मंथ की पनिशमेंट होती है समरी ट्रायल में। क्वेश्चन नंबर 100, इन ऑल 125 की जो प्रोसीडिंग्स हैं आपकी वो किस तरीके से चलती हैं और उनमें एविडेंस किस तरीके से रिकॉर्ड, जो ये समन केस की तरह चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन जिंदल स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या हेल्ड किया था, ये रिस्ट्रिक्शन जो है ऑन ट्रेड ऑन कॉमर्स सेल जो है आपकी, ये आपका सेक्शन 293 का क्वेश्चन है कि जो ये ऑब्सीन जो मटेरियल होते हैं आपके, ये कितने साल से बड़े बच्चों को दिया, बड़े मेल किसी एज्ड को दिया जाएगा, पर्सन को दिया जाएगा, तो ये 20 साल से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 107, सूट फॉर अ कंपनसेशन फॉर अ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन शैल बी फाइल्ड dash time for the plaintiff is acquitted or a prosecution is otherwise terminated within 1 year, ठीक है। Now the question number 102, which of the following section of the Indian Penal Code 1860 prescribe a punishment of a cheating? Section 417, correct option is B. Which of the following statement is incorrect? Question number 108, regarding the provision of इसमें आपका प्रोसीडिंग में भी हेल्ड इन अ कैमरा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज योर बी। ए इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर बी स्पेस, ठीक है, गिव्स बी अ ब्लो व्हिच डस नॉट परमानेंटली डिसफिगर बी स्पेस, देखिए इसमें जो कंडीशन, लास्ट कंडीशन जो है आपकी सेक्शन 320 की, मोर देन 3 वीक्स ए हैज वॉलंटरली कॉज्ड अ ग्रीवियस हर्ट। क्वेश्चन नंबर 109, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस आपके कैसे आते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश में पूछा जा चुका है कई बार, तो करेक्ट आंसर इज योर सी। अगर कोई इफ ए जो है मेकर ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन जिंदा रह गया तो उसका क्या फेट रहेगा, देखिए ये कुछ नहीं, कॉर्पोरेशन के लिए चली जाएगी, ये जो आपका कॉर्पोरेशन आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट में उसके हिसाब से, और टू कॉन्ट्राडिक्ट द टेस्टिमनी मेकर इफ एग्जामिन्ड, और उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर सेकंड एंड थ्री, एंड द करेक्ट आंसर इज योर ए। नाउ
क्वेश्चन नंबर 110, अ फीमेल हिंदू ने जो है इनहेरिट की प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड से, वो बिना वसीयत किए मर गई और उसकी द सेड प्रॉपर्टी शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी, उसके बच्चे नहीं है, तो किसको जाएगी जो हियर के अब्सेंट हस्बैंड के जो है हियर है। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिए इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बननी चाहिए और मैं बनाऊंगा। प्लीज स्टिक विद माय चैनल फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज बेस्ड अपॉन द वेल नोन प्रिंसिपल दैट द पोजेशन इज अ प्राइम ऑफ 110। ये तो सीधा स्टिक आपके वेरेक्ट लैंग्वेज के क्वेश्चन है, तो आपको जितना हो सके वेरेक्ट लैंग्वेज की कमांड करनी चाहिए। हु इज द नोन एज द सेंट ऑफ अगटर्स, इट्स अ मदर टेरेसा। Which I could declared a Ganga Yamuna River। देखिए उत्तराखंड कोर्ट का बहुत ही अच्छा डिसीजन था, इसलिए ऑप्शन इज योर बी। ए अलोंग विद हिज गैंग मेंबर बी सी डी होल्ड एक्स टाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स एक्स मनी, ठीक है, ज्वेल्स फ्रॉम एक्स क्लोथ विदाउट हिज कंसेंट आउट ऑफ द फ्लोइंग व्हाट ऑफेंस, ऑब्वियस है रॉबरी है। एक्स रिजाइडिंग चंडीगढ़ पब्लिशिंग स्टेटमेंट डिफामेटेड टू वाइन लुधियाना, तो वो कहाँ कर सकता है? देखिए दोनों जगह जहाँ पे वो रहता है और जहाँ पे उसने पब्लिश की, तो चंडीगढ़ और लुधियाना। क्वेश्चन नंबर 114, ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फॉरेन जजमेंट द प्रिजम्पशन एज टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 14। देखिए ये रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है आपकी लॉ की, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है इसको। ऐसा नहीं कि इरिवर्टेबल नहीं है, ये रिवर्ट की जा सकती है। नाउ आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द 165, इसमें बोला हुआ है इनकरेक्ट, गलत कौन कौन है? तो देखिए जज कैन आस्क, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ही प्लीजेस इवन इरेलेवेंट, जज के पास तो बहुत ही एम्पल पावर है 165 में। जज में ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बिल्कुल कर सकता है, एनी पार्टी हैज अ राइट टू मेक एन ऑब्जेक्शन टू सच, नो ये गलत है, पार्टीज हैव इनहेरेंट राइट टू क्रॉस, नो। बेसिकली दीज आर द क्वेरीज बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 199 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर अ डिफामेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेशन कोर्ट में टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, बट किसके द्वारा कंप्लेंट रिटन में आनी चाहिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑब्जेक्शन टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट अदर आइटम ऑफ द एविडेंस, ये आपका बिपिन चंद्र पाल पंचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 2000 सेटल कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग लॉ कंटेनिंग इन द सेक्शन 319 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, व्हिच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड मेक्स अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन विदाउट हर कंसेंट, 376B, इट मे नाउ इट इज अमेंडेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट द स्टेट टू टेक अ स्टेप्स प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द breeds and prohibiting the slaughter of cows and slaves and other milch and doubt cattle, that is 48 article 48। now a agrees to pay an 1000 rupees if two parallel line, dekhiye ye aapke impossible event ke bare mein baat karta hai, to seedhi si baat hai contract act mein ye kya gaya void, if an interstate deceased has left no heir qualified to the succeed। देखिए ये बात करता है आपका एस्चीट के बारे में, जब आपकी किसी भी प्रॉपर्टी किसी मालिक किसी प्रोपोजिटर की डेथ हो जाती है, उसके आगे कोई लीगल हेयर मिलता ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी किस में वेस्ट हो जाती है? गवर्नमेंट में, द हेडक्वार्टर ऑफ अ शार्क का काठमांडू। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर, बिकॉज इट्स अ सीरीज टाइप, इट्स अ क्विक सीरीज एंड इट विल इन दिस सीरीज वी विल पब्लिश अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ द various states। Thank you।